लेकिन मायूस बिल्कुल नहीं होगा, मायूस ही नहीं रखा करते। जो चुनाव है हमने पूरा काम करा, मेरा स्वभाव एक तो खराब से, मुझे पता था 10-20 आदमियाँ गले थोड़ा सा लर्निंग कर देता है, सेटिंग कर देता तो मैं भी जीतता था, मैं सेटिंग को नहीं करता, यह गड़बड़ हो हमने पता है कई आदमी से तो वोटा गए, कोई सरपंच था, कोई बड़ा चेयरमैन था, कोई MLA था, कोई मंत्री था, सारे नहीं तो आके वहाँ सेटिंग करे। अब भाई उनसे सेटिंग करे फिर उनके आम आदमी काम कैसे करो, उनकी चाल लगी। लेकिन ये व्यवस्था धीरे धीरे बदल जाएगी। और भाई रेल रियल तो मेरा है, सरकार 48 MLA जित लाख रेल में समझा कौन पाया कोई सरकार बनेगी तो फिर तो 10-20% लोग मुझे जुट जाते हैं, तो ये कमी रही है क्योंकि लीडर मैं था, मैं ही फेल हुआ उनको समझा नहीं पाया। बैठ के देखा एक बार आगे राम राम सुन दो भाई अपने आप ना आ रहा ना मानो खेल है पूरे करवाएंगे तो आम योजनाएं चल जाएगी, सबने पूरी कराओगे। जो जुहारू का ऐसा इलेक्शन देख के हमने पर यहाँ जीत रहे हो बिना जीत को नहीं हार रहे तो होने के थे जितानिया ने वोट किए तो भी दुखी थे खुशी ने बना के दी हाँ देखिए हारी तो अच्छी फोक लेकिन ये लोकतंत्र की खूबी है। आपने यहाँ किसी को दुखी करने की उत्पीड़न की राजनीति अब भी नहीं कराती है, तो हमारी विकास की राजनीति है, इतने सालों से तो लग रहे हैं हमें अपने राज्य को आगे बढ़ाना है। अरे भाई इसी तरह से मिलते जुलते रहेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, हर आदमी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर भी कहा था कि सरकार में आपके आम MLA से तो ज़्यादा ही तगड़े कोई ऐसे नहीं है कि अपनी सुनवाई को नहीं हो, हर चीज़ में सुनवाई हो। हेलो तो आप लोग बिल्कुल हेलो हेलो भाई ये ना मानो कि आप हार रहे राम राम भाई और इलाके के जो खड़ा अधूरे हैं उन मैं मंत्री जी आ रहा उड़ा रहा हूँ के लिए।
समझानी चाहिए थी मैंने भाई जो किसान आंदोलन मोदी को समझा पाया नुकसान तो कर दिया है जो हर वर्ग का नुकसान बहुत सुधारेंगे इसी आज की तो यही बात है इसी तरह मिलकर मुल्तानी सत्र को दरखास्त वो डिमांड है वो दे दो और अपने सत्य रिश्ता जो आ रहा है तो यही प्रार्थना मैं करता हूँ आज 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 थोड़ी स्थिति है।